दोस्तों, टेक्नोलॉजी हाउस हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लाए हैं रिसेटर L1300। जी हाँ दोस्तों, बहुत महंगा प्रिंटर होता है, A3 साइज़ का प्रिंटर होता है, बड़ा प्रिंटर होता है। L1300 में दोस्तों सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही प्रिंटर है। USB पोर्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, किस USB पोर्ट पर आपका प्रिंटर जो है अटैच है। तो ये उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिक्वेंशियल और पर्टिकुलर दो मोड मिलते हैं। सिक्वेंशियल मतलब आपके प्रिंटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इसको सिक्वेंशियल पर डाल सकते हैं, और नहीं तो आपको पता है आपके प्रिंटर में क्या दिक्कत है, तो आपको इसको पर्टिकुलर पर डालना है। पर्टिकुलर पर डालने का दोस्तों सबसे कॉमन जो हमारे प्रिंटर में दिक्कत आती है, वो आती है कि हमारे प्रिंटर में दो रेड लाइट्स कंटिन्यूस जलने लग जाती है। तो दोस्तों जब रेड वाइट लाइट कंटिन्यू जलती है हमारे प्रिंटर में, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रिंटर में जो है वेस्टिंग पैड काउंटर जो है वो फुल हो गया है। तो उसका तरीका क्या है ठीक करने का? उसका तरीका ये होता है कि वेस्टिंग पैड काउंटर को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये दोनों सेलेक्ट करके उसको आपको चेक करना है। चेक करने के बाद ये जो परसेंटेज है वो 100 आ जाएगी और पॉइंट फुल आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रिंटर का वेस्टिंग पैड काउंटर फुल हो गया, आप आगे काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको इनिशियलाइज करना है, जिससे ये आपके जो वेस्टिंग पैड काउंटर है वो 0 हो जाएंगे। 0 होने के बाद आप प्रिंटर में काम कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रिंटर को ऑफ करना है और ऑन करना है। ऑफ ऑन करने के बाद आपका प्रिंटर ढंग से काम करने लग जाएगा। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आ सकती है, वो आ सकती है हेड क्लीनिंग की। अगर आपका प्रिंटिंग में लाइनें आ रही हैं, लाइन प्रिंटर प्रिंटिंग साफ़ नहीं आ रही, तो आप हेड क्लीनिंग को यूज़ में ले सकते हैं। हेड क्लीनिंग करने के बाद आपकी प्रिंटिंग की लाइनें ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दें। आप ईमेल आईडी डालेंगे तो उसका लिंक हम आपको बिल्कुल फ्रीली भेज देंगे। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।